क्वेश्चन 26 देखिए, वो कह रहा है द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 14, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 18, फाइंड द नंबर। पहले तो आप ये समझें कि एक टू डिजिट नंबर को माना कैसे जाता है। मैं कोई भी टू डिजिट नंबर लिखता हूं, 23, ये है टू 10 × 2 प्लस 3 फॉर्म का। 64 लिखता हूं, 10 × 6 + 4, जहां पर ये 4 है यूनिट डिजिट, ये 6 है आपका टेंस डिजिट। तो एक टू डिजिट नंबर इस फॉर्म का होता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द टू डिजिट नंबर, इज किस फॉर्म का होगा, 10x + y, जहां पर y है यूनिट डिजिट और x है आपके पास टेंस डिजिट। अब द नंबर, उनकी दो पहली कंडीशन क्या कह रही है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 14, यानी इन दोनों का सम करोगे तो 14 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों का सम कर देंगे तो 14 हमें मिलेगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम क्या कर लेंगे, वो कह रहा है कि अगर हम इन डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी एक्स वाई की पोजीशन को बदल दें, तो नंबर ऑब्वियसली बढ़ गया। और वो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, यानी जो गिवन नंबर है उससे 18 ज्यादा है, ये वाला नंबर इससे 18 ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए यहां 18 ऐड कर देंगे, इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए, तो 10y - yx - 10x इज इक्वल टू 18, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया -9x + 9y इज इक्वल टू 18। माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो यहां बचा x - y इज इक्वल टू 18, और 9 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, x - y इज इक्वल टू -2, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर दें, तो यहां पे आ गया x + y इज इक्वल टू 14, x - y इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x हमारे पास आ गया 6। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन किसी भी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट या सेकंड में, तो फर्स्ट में रख दिया हमने, तो यहां पे आ गया 6 + y इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 8। सो टू डिजिट नंबर इज, तो हमारे पास वो जो टू डिजिट नंबर है वो क्या आ जाएगा, टू डिजिट नंबर इज 10x + y, दैट मीन्स 10 × 6 + 8 इज 68। तो हमारे पास वो जो टू डिजिट नंबर है वो यहां पर 68 आ गया। आपको माइंड में रखना है कि जब भी वो टू डिजिट नंबर की बात करेगा तो वो आपको 10x + y की फॉर्मेट का वहां पर मानना है, और फिर आप गिवन कंडीशंस लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।